हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज मैं आपको शेयरिंग के माध्यम से किस तरीके से भिन्न को करते हैं तो वो मैं समझाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं, है ना? जैसे हमारे पास एक रोटी है और चार बच्चे हैं, तो सबसे पहले हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 1/4, क्योंकि एक रोटी है चार बच्चों में बांटना है। तो हम इसको पहले आधा करेंगे, फिर उसका भी आधा करेंगे, 1/4 कर देंगे। तो देखिए, एक दो तीन और चार, तो ये हमने सबको 1/4 दे दी, तो सभी बच्चों में बराबर बराबर 1/4 रोटी आ गई। दूसरा सवाल है, अगर मेरे पास तीन रोटी हैं और चार बच्चे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो आधी आधी रोटी चारों बच्चों में बराबर बराबर बांट देंगे। इसके बाद मेरे पास जो एक रोटी बचेगी उसको भी मैं चार हिस्सों में डिवाइड करूंगी और फिर एक एक टुकड़ा सबको दे दूंगी। तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 तो मैंने सबको दिया, फिर जो मेरी रोटी बची उसमें से भी मैंने 1/4 सबको दिया, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया, 3/4। आया समझ में? अगला सवाल, अब धीरे धीरे सवाल ना टिपिकल होते जाएंगे लेकिन आपको मज़ा आएगा। तो अब है पांच रोटी और चार बच्चे, तो जाहिर हो रहा है कि हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो 5/4 होगा। अच्छा, इसके बाद में क्योंकि चार ही बच्चे हैं तो एक एक रोटी तो सबको मिल ही जाएगी। जो एक रोटी बचेगी उसके हम चार हिस्से करेंगे और फिर उसमें से हम सबको 1/4 दे देंगे। तो एक रोटी मैंने पूरी दे दी, जो बचा हिस्सा है उसमें से 1/4 मैंने सबको दिया, तो क्या हो गया, 4 × 1 = 4 और 1 = 5, 5/4 हो गया। आंसर मेरा वही आएगा जो मेरा पहला है। जितने मेरी रोटी हैं जितने मेरे बच्चे हैं, रोटी बटे बच्चे जितने होंगे आंसर भी मेरा वही आएगा, ये ध्यान रखना। ओके, अब हम ये सवाल देखते हैं। मेरे पास अब दो ही रोटी हैं और पांच बच्चे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक रोटी में से तो चौथाई रोटी सबको दे दी, 1/4 दे दी, और दूसरी रोटी में से भी 1/4 हिस्सा मैंने एक बच्चे को दे दिया, तो पांचों बच्चों को 1/4 रोटी मिल गई। जो मेरा 2/3 हिस्सा है उसके फिर मैंने 5 बराबर बराबर भाग किए, तो क्या हो गया, 1/4 तो मैंने पूरा दे ही दिया था, मेरे पास अब 3/4 रोटी बची थी, उसको मुझे 1/5 में बराबर बराबर बांटना है, तो मुझे इसमें गुणा कर दी। फिर क्या निकला, 3 × 3 और 4 × 5 = 20। अब मैं इसका एलसीएम ले लूँगी, तो 20 आएगा, 4 × 5 = 20, 5, 20 × 20, 3 × 3, तो 5 × 3 = 8/20। इसको भी हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 × 4 = 8 और 4 × 5 = 20, तो मेरा आंसर आया 2/5, यही मेरा फ्रैक्शन था। ओके, आगे आगे का सवाल देखिए। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तीन रोटी हैं और 7 बच्चे हैं, तो मैंने क्या किया कि 1/3 1/3 रोटी पहले सातों बच्चों को दे दी, 1/3 दे दी। इसके बाद मेरे पास 2/3 हिस्सा बचा, 2/3 हिस्सा मैंने लिख दिया। अब वो मुझे 7 बराबर बच्चों में बांटना है, तो इसलिए गुणा करके 1/7, मैंने देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हिस्से किए, 1/7, तो अब क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 7 × 21। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 7 × 21 ही आएगा, 3 × 7 = 7 और 21 × 21 और 2 × 2, तो 7 × 2 = 9, 9/21। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 × 9 = 3 × 7 = 21, तो मेरा आंसर 3/7 ही आया, लेकिन हमने बराबर बराबर सबको रोटी किस तरह से दी, शेयरिंग समझ में आई बेटा? पहले हमने सरल हिस्सा लिया, फिर थोड़ा सा कठिन लिया, फिर थोड़ा सा कठिन लिया, लेकिन आपको शेयरिंग करते हुए भिन्न को समझना आ गया। ओके बेटा, बाय।